अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इस्माइल। यहाँ पे हम लोग किंग्स पैलेस किंग्स क्लासिक गार्डन पर आए हैं, सारे वेंडर्स हैं साथ में और कई सारे वेंडर्स चले गए काफी देर इंतजार यहाँ पे करके ऑर्गेनाइजर्स का। ये दो दिन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जश्न रमजान बाई अजीजुर रहमान अल हादी एक्सपो, जो कि आज कैंसिल कर दिया गया। कल के दिन पर ही वो लोग की प्लानिंग थी, एक्चुअली ये प्री प्लान था इनका। कल रात में ही ये लोग जो सेल नहीं होने की वजह से काफ़ी वेंडर्स को गाइड किए कि वी विल चेंज द स्टॉल डिज़ाइंस और कल हम जो है ना आप लोगों को फिर से स्टॉल अलॉट करेंगे। अभी यहाँ पे किंग क्लासिक गार्डन की तरफ से हम इंक्वायरी किए, वो लोग को भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके ऑर्गेनाइजर्स की, उनके पास भी कोई नंबर नहीं है। और आप लोग जैसा जानते हैं ये बहुत मशहूर और अच्छा कन्वेंशन हॉल है जहाँ पे बड़े बड़े एक्सपोज होते हैं, इसी का फायदा उठाते हुए कुछ फ्रॉडी लोग जो भी फ्रॉडी का नाम क्या है बोले अल हादी एक्सपो जी, अल हादी एक्सपो जो कई सारे वेंडर्स जो बहुत सारे खवातीन लेडीज अपने घर बार छोड़ के अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ पर आए हैं बिजनेस करने के लिए, सारी लोग कई जगह से यानी मुस्लिम्स भी है इसमें, नॉन मुस्लिम्स भी है, बहुत सारे लोग रमजान में आए हैं कुछ अपना सा एक छोटा सा बिजनेस करें, कुछ इन्वेस्टमेंट लगाएं, कुछ पर चार पैसे कमाएं, उस करेंगे क्योंकि इसी इस तरह से जो ना कारोबारी लोग के साथ धोखा करना फ्रॉड करना बहुत ही खराब बात है, बहुत ही मायूब बात है। खुसूसन रमजान के टाइम पे बहुत सारे खुसूसन जो लेडीज है अपने घरों की लेडीज है, गोशा पर्दे वाली लेडीज है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आके जो है ना स्टॉल्स डाले पैसे इधर उधर से करके, किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 25,000, 15,000, 10,000, काफ़ी मुश्किल से मेहनत से इतनी दूर से जो ना ट्रांसपोर्ट करके सारा अपना सामान लेकर यहाँ पर आए स्टॉल्स करके कुछ बिजनेस करें। अब ऑल ऑफ सडन ये इवेंट कैंसिल कर दिया गया, अगर इवेंट कैंसिल भी किया गया है तो उनका जवाबदेही होती है, उनको कॉल रिसीव करना चाहिए, सारे वेंडर्स को यहाँ पर आके जो ना उनके पैसे रिफंड करना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली कितना चार पैसे कमाएं, उसका नाजायज फायदा उठाते हुए ये एक्सपो के जो भी ऑर्गेनाइजर्स है अल हादी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, बिल्कुल ना इनके तरफ से कोई जवाब है, ना कोई मैसेजेस है, ना कॉल रिसीविंग है, इवन इनके कॉल्स भी ब्लॉक है। तो हम सारी टीम वेंडर्स की काफी कंप्लेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में, और जितने सारे वेंडर्स बाकी हैं वो भी कल जाके जो है ना आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में सुबह में SI जाहिद साहब के पास कंप्लेंट कर सकते हैं सुबह 11 बजे। क्या आप डर थे, मिनिमम हर स्टॉल से जो है ना 10,000 सबसे लिया गया हुआ है, 10, 8, 6, 12, 25,000 मैडम का भी है। आपका कहेगा मैडम मेरा पाकिस्तान करके मेरा पैसा तो एक साल पहला लिया था और मैं रो रो के मांग मांग के दे दी, लेकिन उसने मेरा पैसा ही नहीं दिया। 43,000 कुछ मेरा था, रो रो के उसने मुझे कुछ 5,000 दिया और मेरा तो ऑलमोस्ट 36,000-37,000 तो बैलेंस है, और इतना मेरा टिकट का, मैं आई ट्रेन से जा रही हूँ, फ्लाइट से, होटल का, ये सब मेरा एक्सपेंस का पैसा कौन भरेगा? मैं तो मेरी छोटी बेबी 2 साल की उसको छोड़ के आई हूँ, इतना पैसा अटका के किसी गरीब का नुकसान करके मतलब नहीं है। और मैं तो मुंबई की रहने वाली हूँ, मैं केस करके भी कितना आना जाना यहाँ पर करूँगी, मुझे तो कैसा भी मेरा रिफंड चाहिए ही। इसके लिए मेरी एक स्टोर है बड़ी उधर, हाँ, डिजाइनर कलेक्शन नाम करके है। तो यहाँ पर क्या स्टॉल लगाने वाले? मेरा कपड़े का था पूरा, मेरे 2 स्टॉल थे और वो भी मेरे प्रीमियम स्टॉल के पैसे मैंने दी थी, जो कि मुझे मिला नहीं है प्रीमियम स्टॉल का। 10,000 रुपए लिया ना हम लोग से मुंबई वाला करके ना, इन लोग ने 20,000 रुपए करके लिया एक स्टॉल का, हम लोग से 20,000 रुपए लिया एक साल पहले, 42,000 रुपए हम लोग फोन कर करके हर चीज करो, उल्टा मैसेज पे हमारे को ये भी रिप्लाई करा कि जो हो सकता है कर लो, हैदराबाद आके बताओ, ऐसा भी हमारे पास मैसेज का प्रूफ है, इसने बोला कि कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम बोले जाने दे, फिर जब हमारे को कुछ तस्वीर कोई नहीं, ये इसकी फोटो है आप देख सकते हो, और इससे पहला पिछले साल भी मैंने स्टोरीज पे इसके बहुत देखी थी कि 6 लाख रुपया को इन्वेस्ट किया, 8 लाख इन्वेस्ट किया, उसका पैसा भी उसने दिया नहीं था, लेकिन मुझे नहीं मानता कि इतना बड़ा फ्रॉड, 25 लाख के ऊपर का ही फ्रॉड करके गया ये मुसलमान आदमी हो के, अगर किसी मुसलमान के पास ऐसा करता है ये तो बहुत बड़ी गलत बात है, और रमजान के महीने में ऐसा करना तो कहा जाएगा, फ्रॉड करके दुबई निकल जाता है, ये फिर दुबई से आ जाता है, फिर इसको कोई कुछ बोलता नहीं है करता नहीं है, तो एक बार हमारे वहाँ से भी ऐसी रिक्वेस्ट है कि उसको एक ही बार में ऐसा कर दो कि नेक्स्ट टाइम किसी के साथ गलत नहीं करे, आज अपने साथ गलत हो गया ठीक है, लेकिन कोई और अपने से गरीब आ गया या उसका घर बार कुछ लगा के आया या उधारी लेकर आया वो बेचारा क्या करेगा,
तो ये रिक्वेस्ट है कि अपन इसको एक ही बार में पकड़ के इस पे ना पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि अगर हो सके तो रिफंड मिले या कुछ नहीं तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये दुबई वगैरह भाग के बताता है। तो ये बताना क्या चाहता है कि मैं एक दिन में दुबई चले जाऊंगा, तीन दिन बाद वापस आऊंगा, माहौल ठंडा हो जाएगा, सब अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल जाएगा। हमारे साथ एक और एक मुंबई के हमारे क्लाइंट है, हमारे दोस्त निकले, वो भी वो लोग तो सर पे हाथ रख के लिटरली बैठ गए कि अब हम लोग करें तो क्या करें। बाजू वाले एक्सपो में गए तो उन लोग बोले कि भाई स्टॉल फुल है, हम लोग इतना माल लेके नहीं आए, खाली माल लाने जाने का हम लोग का 5,000 से 7,000 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्जेस हुआ है। यानी मैंने 25,000 कमाने के लिए इसके जो 45,000 रुपए रिकवर करने के लिए और मेरे जेब के 10,000 में हाथ देके जा रहा हूँ। यानी 42 + 10 = 52 का इसने नुकसान कर दिया। अगर ये पहले बोल देता कि भाई तुम 42 भूल जाओ ना, एक्सपो में आओ तो हम लोग का 10,000